नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने कमेंटेटर और खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग जी। कुलविंदर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, और सुनने वालों को नमस्कार। तो एक तरफ आईपीएल के मुकाबले चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आज फुटबॉल में भी गहमा गहमी है और बैडमिंटन की भी खबर है हमारे पास। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइन से। आईपीएल में करो या मरो के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। महिलाओं का आईपीएल का आगाज कल से यूएई में। चैंपियंस लीग फुटबॉल के अहम मुकाबले में रियल मैड्रिड और इंटर मिलान होंगे आमने सामने। और जर्मनी में फंसे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्वदेश लौटे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल में। तो आईपीएल में आज एक बेहद अहम मुकाबला होने वाला है शारजाह में। सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से होने वाला है। और जो टॉस का हाल है वो ये कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आइए सुनते हैं दीपिका की इस रिपोर्ट में। आईपीएल के 56वें मैच में अब से कुछ देर बाद मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजाह में मैच खेला जाएगा। मुंबई पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। हैदराबाद का नेट रन रेट मुंबई के बाद सबसे अच्छा है। ऐसे में उसे टॉप फोर में अपनी जगह पक्की करने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। अगर वो इस मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाई तो लीग में उसका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा और कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में जगह बना लेगी। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई ने 13 मैचों में से 9 जीते हैं और 4 हारे हैं। 18 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पर है। वहीं हैदराबाद ने 13 में से सिर्फ 6 जीते हैं और 7 हारे हैं। 12 पॉइंट्स के साथ वो 5वें स्थान पर है। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तब मुंबई ने हैदराबाद को 34 रन से हराया था। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में क्विंटन डिकॉक पहले और ईशान किशन दूसरे स्थान पर हैं। डिकॉक ने सीजन में अब तक 418 और किशन ने 395 रन बनाए हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 374 रन बनाए हैं। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने सीजन में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 444 रन बनाए हैं। इसके बाद मनीष पांडे का नंबर है, उन्होंने सीजन में अब तक 380 रन बनाए हैं। मुंबई के गेंदबाज पूरे सीजन में शानदार फॉर्म में रहे हैं। सीजन में जसप्रीत बुमराह ने 23, ट्रेंट बोल्ट ने 20 और राहुल चाहर ने 15 विकेट लिए हैं। वहीं जेम्स पैटिनसन ने भी सीजन में 11 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। हैदराबाद की गेंदबाजी की जिम्मेदारी राशिद खान पर रहेगी। राशिद ने सीजन में अब तक 18 विकेट लिए हैं। इसके अलावा टी नटराजन ने 14 और संदीप शर्मा ने 10 विकेट लिए हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर जी, इस मैच पर इन दोनों टीमों के साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की निगाहें भी लगी होंगी, क्योंकि उनकी किस्मत भी इस मैच के परिणाम से तय होगी। मुंबई की टीम ने 3 बदलाव किए हैं। बुमराह और बोल्ट को विश्राम दिया गया है, पैटिनसन और धवल कुलकर्णी को शामिल किया गया है। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव है, जयंत यादव की जगह रोहित शर्मा आए हैं। और इस पर काफी विवाद हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उनकी फिटनेस कैसी है, लीग में खेलना और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रेस्ट दिया जाना। देखिए, थोड़ा सा उनकी जो इंजरी की बात थी उस वजह से शायद उनको रेस्ट दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, रोहित शर्मा पिछले 3-4 मैच से बाहर बैठे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी प्रैक्टिस, और पिछले मैच में देखा होगा, दिखा रहे थे कि वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिट हैं और वो आज दिखाना चाहते हैं, तो कप्तानी के तौर पर आए हैं। सबसे बड़ी बात जी हैदराबाद के लिए कुछ आसान हो गया, बोल्ट और बुमराह नहीं खेल रहे। देखिए, आसान तो कोई भी मैच नहीं होता, ये 40 ओवर होते हैं, दम लगाना पड़ता है दोनों ही टीमों को। और खासतौर पर दोनों ही टीमें पिछले दोनों मुकाबले जीत कर आई हैं। मुंबई इंडियंस आरसीबी और डीसी को हरा कर आई है, इसी तरह हैदराबाद की टीम भी आरसीबी और डीसी को हरा के आई है। तो दोनों अच्छी टीमों को जो कि क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको हरा के आई है, इट मीन्स उनमें अब थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके सामने एक लक्ष्य रहेगा, उनको यह पता है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है, अगर हम हार गए मस्ट विन है तो हम बाहर हो जाएंगे और केकेआर आगे चला जाएगा। सो प्लानिंग के साथ वो चल सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने पहले बॉलिंग ली है और मुंबई कोशिश करेगा जी बिल्कुल बड़े से बड़ा टारगेट देने के, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन राशिद खान का मुकाबला करना मुश्किल होगा। एक परिवर्तन हैदराबाद ने भी किया है, प्रियम गर्ग को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है अभिषेक शर्मा की जगह। रोहित शर्मा से जुड़ा एक और सवाल, टीम क्वालिफाई कर चुकी है, आप प्लेऑफ में खेलते,
इस मैच का मुंबई के लिए कोई महत्व नहीं है। मैं वही कह रहा था, लेकिन वो शायद 3-4 मैच से नहीं थे और अपनी लय वापस पाना चाहते मैदान पर, और शायद सिलेक्टर्स को बताना चाहते कि हम टोटली फिट, मैं केवल एक मैच नहीं खेलूंगा, उसके बाद भी खेलूंगा और फाइनल भी खेलूंगा, वो ये दिखाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन शायद उन्होंने पूरा देखा होगा। और सबसे बड़ी बात, जसप्रीत बुमराह 23 विकेट, ट्रेंट बोल्ट के 20 विकेट, इन दोनों को आराम देना था। और अगले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस शायद नए खिलाड़ियों को ट्राई कर रहा है, ये देख रहा है कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, कि इनको रखा जा सकता है, कि इनको विदा किया जा सकता है। चलिए, इस मैच पर हमारी नजरें बनी हुई हैं और हम इस कार्यक्रम में आपको लेटेस्ट स्कोर भी बताएंगे। अब चलते हैं कल का जो मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। टीम तो एक ही जीती, लेकिन दोनों के लिए खुशखबरी ये रही कि दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। कल क्या कुछ हुआ मैच में, आइए सुनते हैं रवि कपूर की इस रिपोर्ट में। महिला 2020 चैलेंज लीग यानी महिलाओं का आईपीएल कल से, और ये रिपोर्ट गलत पहुंच गई, इसके लिए क्षमा करें। जो कल का मुकाबला था वो दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में पहुंच गई है। वहीं आरसीबी ने भी चौथी बार प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 7 विकेट पर 152 रन बनाए, जबकि दिल्ली की टीम ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 154 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। अजिंक्य रहाणे ने 60 और शिखर धवन ने 54 रन की पारी खेली। दिल्ली की टीम टॉप 2 में पहुंच गई है। अब उसका मुकाबला पहले क्वालिफायर में 5 नवंबर को मुंबई इंडियंस से होगा। बेंगलुरु ने इससे पहले 2016 में प्लेऑफ के अपनी जगह पक्की की थी, वे अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीत सकी है। जिस रहाणे को लेकर यह कहा जा रहा था कि शायद वो दिल्ली की टीम में फिट नहीं बैठ पाएंगे, उस रहाणे ने बिल्कुल फाइनल पंच जड़कर टीम को प्लेऑफ का टिकट दिला दिया। आनंद, रहाणे जैसे खिलाड़ी की फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है एक समय के मुताबिक, लेकिन उनकी क्लास नहीं, क्लासिक प्लेयर हैं वो, अपने फॉर्म में आ जाए बड़े बड़े छक्के भी लगाते हैं। और कल जिस तरीके से उन्होंने 88 रन की पार्टनरशिप की धवन के साथ, दिखा दिया कि दिल्ली की जो युवा टीम है एक कॉम्बिनेशन है, अब एक दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। और आरसीबी ने कल बहुत गलतियां की। अब इसरो उड़ाना को बार बार खिलाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे मोइन अली को खिलाना चाहिए था, वो एक गेंदबाजी ऑप्शन भी हो सकता था, और मोइन अली अच्छे लंबे छक्के भी लगा सकते हैं। कल जो, क्योंकि जो अगर बात की जाए इसकी आरसीबी की, उनकी टीम में सिर्फ एक ही है कि आरसीबी की टीम में अगर कोई है तो वो है विराट कोहली, देवदत्त पड़िक्कल और एबी डिविलियर्स। ये अगर रन नहीं बना पाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, दबाव में आते हैं, तो पीछे कोई भी नहीं, मिडिल ऑर्डर और पीछे। तो जैसा मैंने कहा कि ये अली होना चाहिए था, मोइन अली, इसरो उड़ाना कोई इतने ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे। और गेंदबाजी इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गेंदबाजी को, क्योंकि आप जो सामने वाली टीम है जबरदस्त बैटिंग करने के लिए कल आई थी और उनको आउट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, कोहली के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, आपने गेंदबाजी की बात की, डेल स्टेन भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए उड़ाना को शामिल किया गया, लेकिन वो भी नहीं चल पा रहे हैं। नवदीप सैनी भी पूरी तरह फिट नहीं है, जिस कारण वो कल का मुकाबला नहीं खेल पाए। और इस मेल आईपीएल की बात में एक और आपसे बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। सनराइजर्स, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लेजेंड हैं शेन वॉटसन, कई फ्रेंचाइजीज के साथ खेल चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स के साथ भी उन्होंने लंबा समय बिताया, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए, 18 साल से वो खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपको याद होगा 2008 का जो पहला मुकाबला था आईपीएल का, राजस्थान चैंपियन बना था, वो इन्हीं की बदौलत बना था, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। उसके बाद आपको याद होगा 2018 का जो फाइनल मुकाबला था सीएसके के लिए, क्या शानदार 117 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। तो शेन वॉटसन जैसा खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकता, उन्होंने 149 आईपीएल मुकाबले भी खेले हैं, टेस्ट मैच, ओडीआई, टी20 और आईपीएल सभी में उनका दबदबा रहा है। जब वो बल्ले से अपना प्रदर्शन करते हैं तो सामने वाले गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे खिलाड़ी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के ये मित्र भी हैं, बहुत अच्छी मित्रता है, पहले राजस्थान रॉयल में थे, बाद में आरसीबी में आए, फिर सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी की पारखी निगाहें उनको लेके आई और तभी वो मुकाबला फाइनल जीत सके। तब हो सकता है स्पोर्ट्स स्टाफ के तौर पर वो आने वाले समय में आईपीएल में सीएसके के साथ जुड़े रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था, लेकिन दुनिया भर की जो टी20 लीग्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग हो, चाहे वो भारत की आईपीएल हो या फिर पाकिस्तान की पीएसएल हो, वो हर जगह खेलते नजर आए। शेन वॉटसन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, अब क्रिकेट के फील्ड में एज अ प्लेयर नहीं दिखेगा। कल से महिलाओं का आईपीएल शुरू हो रहा है, कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं, आइए सुनते हैं रवि कपूर की इस रिपोर्ट में।
महिला 2020 चैलेंज लीग यानी महिलाओं का आईपीएल कल से शुरू हो रहा है। इसी के साथ भारतीय महिला खिलाड़ी 8 महीने बाद मैदान पर उतरेंगी। वुमेन्स इंडिया टीम ने पिछला मैच इसी साल 8 मार्च को 2020 खेला था। मेलबर्न में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन से शिकस्त दी थी। महिला आईपीएल का ये तीसरा सीजन है। अब तक लीग की सबसे सफल टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली सुपरनोवाज रही है। पिछले दोनों खिताब इसी टीम ने जीते हैं। महिला लीग पहली बार 2018 में खेली गई थी। तब एक ही मुकाबला हुआ था जिसमें सुपरनोवाज ने टेल ब्लेजर्स को हराया था। 2019 में वेलोसिटी टीम की एंट्री हुई। इसके बाद 2019 सीजन में तीनों टीमों के बीच 4 2020 कराए गए। पिछली बार फाइनल में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 4 विकेट से हराया। तीनों टीम की कप्तान भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में ही है। मिताली राज को वेलोसिटी और हरमनप्रीत कौर को सुपरनोवाज टीम का कप्तान बनाया गया है। स्मृति मंधाना को टेल ब्लेजर्स की कप्तानी सौंपी गई। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन सुपरनोवाज और रनर अप रही वेलोसिटी के बीच कल खेला जाएगा। वेलोसिटी की कप्तान मिताली राज और शेफाली वर्मा के अलावा सुपरनोवाज की कैप्टन हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिग्स के प्रदर्शन पर फैंस की नजरें रहेंगी। वहीं टेल ब्लेजर्स में कप्तान स्मृति मंधाना मैच विनर हैं। टेल ब्लेजर्स टीम की तीन प्लेयर इंग्लिश स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर डेंड्रिटा डॉटिन और थाईलैंड की नाथाकन चानथाम पर सभी की नजरें रहेंगी। इनके अलावा सुपरनोवाज की श्रीलंकन कैप्टन चमारी अट्टापट्टू और वेलोसिटी की इंग्लिश ऑलराउंडर डेनिले व्हाइट भी अपनी अपनी टीम के लिए की प्लेयर हैं। कोरोना के कारण टूर्नामेंट का तीसरा सीजन संयुक्त अरब अमीरात में बायो सिक्योर माहौल में खेला जा रहा है। सभी में तीन टीम सुपरनोवाज, वेलोसिटी और टेल ब्लेजर्स के बीच 4 मुकाबले शारजा में होंगे। फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को, तीसरा सत्र है ये तो आपसे पता लगा कि ये कल से शुरू हो रहा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि महिला T20 का कोई ढंग की लीग नहीं है, और अगर है तो एक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। तीन टीमें, पहले में सिर्फ दो ही टीमें जी, अब तीन टीमें, कोई उसकी मार्केटिंग नहीं है, कोई उसका कहीं जिक्र नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी पे कवरेज नहीं, इवन जो कि स्पोर्ट्स की जो इंटरनेट की एजेंसी है उनमें भी इन टीमों की डिटेल नहीं। तो ये थोड़ा सा अफसोस की बात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना और इसके अलावा वर्मा, बहुत अच्छी अच्छी खिलाड़ी हैं, जिनको मौका कम मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि एक 8-9 महीने के गैप के बाद ये खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छे से, बड़े तरीके से, ज्यादा टीमों के अनुसार, जैसे ये आईपीएल होता है वैसे ही इनका आईपीएल भी होना चाहिए। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वेलोसिटी का पलड़ा भारी रहेगा। शेफाली वर्मा जो 16 साल की हरियाणा की ऑलराउंडर है, जिसको कि हरियाणा की वीरेंद्र सहवाग भी कहा जाता है, वो कमाल करके दिखाएंगे। और शेफाली ने जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था। तो कल से जब ये मुकाबले शुरू होंगे तो स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम आप तक हर मैच का अपडेट पहुंचाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के लिए 279 रन का लक्ष्य दिया है। रावलपिंडी में पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 278 रन बनाए। सीन विलियम्स ने शानदार शतक लगाते हुए नाबाद 118 रन की पारी खेली। ब्रेंडन टेलर ने 26 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 41 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बना लिए थे। पहले दो मैच जीतकर पाकिस्तान ने यह श्रृंखला अपने नाम कर ली है। कुलविंदर जी, 53 गेंद पर 68 रन की दरकार है, बाबर आजम 99 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबर आजम जब तक क्रीज पर हैं, और वहाब रियाज उनका बहुत अच्छा साथ देते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, और बहुत अच्छी बैटिंग करने की बात आती है तो वो साथ देते हैं, और छठा विकेट गिरा था 151 पर, उसके बाद ये देखिए यहां तक पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कि यहां से गेंदों और रनों का कोई ज्यादा अंतर नहीं, ये वनडे है, T20 नहीं, संभल कर खेलना होगा, और पहले दो मुकाबले जीते हैं पाकिस्तान ने, क्लीन स्वीप करने की ओर जाना चाहिए, और बाबर आजम अगर क्रीज पर रह गए अंत तक तो पाकिस्तान तीसरे वनडे को भी जीत लेगा। चलिए देखते हैं कि यह मुकाबला कितना रोमांचक होता है और जीत किस करवट बैठती है। फुटबॉल की बात करें तो चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाने हैं। रिपोर्ट के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज रात कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड का सामना लोकोमोटिव मस्कोवा से होगा। जर्मन क्लब बोरोशिया मोइन चैन ग्लेडबाख और शख्तर डोनेस्क आमने सामने होंगे। लिवरपूल का सामना अटलांटा से होगा। मौजूदा चैंपियन बायर्न म्यूनिख साल्ज़बर्ग की चुनौती का सामना करेगी। आज रात जिस मुकाबले पर फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें टिकी होंगी वो रियल मैड्रिड का मैच है। रियल को अपने अंतिम ग्रुप मैच में इटालियन क्लब इंटर मिलान का सामना करना है। ज़िनेदीन ज़िदान की रियल मैड्रिड अगर इस मुकाबले को हारती है तो चैंपियंस लीग में उसका सफर समाप्त हो जाएगा। ग्रुप बी में इस समय दो मुकाबलों के बाद रियल का एक अंक है और वो सबसे निचले पायदान पर है। इंटर मिलान के लिए बुरी खबर ये है कि स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू चोट के कारण इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। अलेक्सिस सांचेज इस मैच में खेलते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। आर्तुरो विडाल और निकोलो बारेला मिडफील्ड में एक बार फिर प्रभावित करना चाहेंगे। अग्रिम पंक्ति में लाटेरो मार्टिनेज रियल के डिफेंडर्स के लिए मुश्किल चुनौती खड़ी कर सकते हैं। रियल मैड्रिड की बात करें तो कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोटिल हैं। ऐसे में सही टीम कॉम्बिनेशन उतारना जिदान के लिए बड़ी चुनौती होगी। टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच मिडफील्ड में बढ़िया प्रदर्शन के साथ डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। मैड्रिड के फैंस को एडिन हजार्ड और करीम बेंजिमा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जिदान अपनी टीम को जीत दिलाकर चैंपियंस लीग में संभावनाएं बरकरार रख पाते हैं या फिर एंटोनियो कांटे की इंटर मिलान के सर पर जीत का सेहरा सजेगा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, दो टीमें और एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला आज रात। देखिए, आज रात को 8 मुकाबले होने हैं और ये मुकाबला जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं रात 1:30 बजे जी। और मैं समझता हूँ कि रियल मैड्रिड की सेम स्थिति है जो सनराइजर हैदराबाद की है। बिल्कुल, करो या मरो, जीतोगे तो आप आगे जाओगे, ड्रॉ रखोगे तो भी आप बाहर हो जाओगे जी। तो उनको दिक्कत भी आ रही है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया रोमेलू लुकाकू वो चोट की वजह से बाहर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जूनियर वेनिसियस जूनियर फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं या मारियानो फॉरवर्ड, ये शायद कुछ कमाल कर सकते हैं और हर हालत में शुरू से अटैकिंग खेलना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक रियल मैड्रिड आज रात किस तरह का प्रदर्शन करती है। यूरी तिलेमांस के दो और जेमी वार्डी के एक गोल के सहारे लेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले में लीड्स यूनाइटेड को 4-1 से करारी शिकस्त दी। फॉरवर्ड कैलम विल्सन के दो गोल के सहारे न्यूकैसल यूनाइटेड ने एवर्टन को 2-1 से हराया। एक अन्य मुकाबले में फुलम ने वेस्ट ब्रॉम अल्जाबियन को 2-0 से मात दी। अंक तालिका में लिवरपूल पहले, लेस्टर दूसरे और टॉटेनम हॉटस्पर तीसरे स्थान पर है। अपने जमाने के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना को अपने 60वें जन्मदिन के 3 दिन बाद डिप्रेशन के लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माराडोना के एक कर्मचारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस पूर्व फुटबॉलर की स्थिति गंभीर नहीं है। अर्जेंटीना की 1986 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान को ब्यूनस आयर्स से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ला प्लाटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैडमिंटन की बात करें तो जर्मनी में फंसे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना वायरस के दूसरे टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद आज स्वदेश वापस आ गए। भारतीय दल का जर्मन स्वास्थ्य विभाग ने कल दूसरा टेस्ट किया था। इस टीम में लक्ष्य सेन सहित 3 शटलर शामिल थे। लक्ष्य को अपने पिता और कोच डीके सेन के पॉजिटिव पाए जाने के बाद टूर्नामेंट से हटना पड़ा था। विश्व के पूर्व नंबर 13 अजय जयराम और 2018 के विजेता शुभंकर डे को भी इस सुपर 100 टूर्नामेंट से हटने के लिए विवश होना पड़ा और उन्हें भी क्वारंटीन पर रख दिया गया था। लक्ष्य, जयराम, शुभंकर और फिजियो अभिषेक वाघ को टूर्नामेंट से पहले नेगेटिव पाया गया था, लेकिन लक्ष्य के पिता के पॉजिटिव आने के बाद इन सभी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के बीच से ही हटने का निर्णय लेना पड़ा। अब ये वापस आ गए हैं, ये अच्छी बात है। कुलविंदर जी, अगर वापस क्रिकेट की दुनिया में लौटे, एक तो जो मुकाबला चल रहा है उसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम घोषित हुई है, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी जल्दीबाजी में बीसीसीआई ने घोषणा कर दी? मुझे लग रहा है, और जब बीसीसीआई ने घोषणा की, इस आईपीएल में जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट में टी20 ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्टेड है। केवल दो नए खिलाड़ी हैं, चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी, जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। थोड़ी जल्दी टीम को कर दिया गया, अब क्या जवाब देंगे, जबकि गायकवाड़ कितना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, नीतीश राणा ने 352 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव, उनका क्या कसूर, 3 अर्धशतक 374 रन, ईशान किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज चाहिए, राहुल तेवतिया जैसा खिलाड़ी 255 रन 10 विकेट, और देवदत्त पड़िक्कल 472 रन 5 अर्धशतक लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आपके यहाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है कौन? केवल दो ही है आपके पास, विकेट कीपर है अपना ऋषभ पंत और इसके अलावा अपने पास जडेजा जी, इसके अलावा कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं ढंग के। तो मैं समझता हूं कि जल्दी कर दी, लेकिन जैसा कहा कि नजर रखेंगे, शायद रोहित शर्मा के साथ साथ बाकियों को भी एक आधे को और मौका मिल जाए। अभी जो मुकाबला चल रहा है और मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और दूसरे ओवर तक का हाल यह है कि बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिया है मुंबई की टीम ने, हैदराबाद कितना चेस करने की कोशिश करेगी?
देखिए हैदराबाद चाहेगा कि इसको 150-160 तक रोके, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर हार्दिक पांड्या और कैरन पोलार्ड आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 170 तक भी वो मार कर सकते हैं। चलिए कुलविंदर जी, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और खेल खबर पर चर्चा की जाए। आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।